इस वीडियो को सुनने वाले सभी छात्रों को अजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RPSC एग्जाम जीके एंड फिलोसोफी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल RPSC एग्जाम जीके एंड फिलोसोफी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइबर ज़रूर करें, लाइक करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, अभी सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मैं जानता हूं कि इस समय उनके कितनी टेंशन होती होगी। दोस्तों, चिंता बिल्कुल नहीं करें, अपने आप पर विश्वास रखें। आपने आज तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें और हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे हर वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में ये वीडियो बन पाता है। इस वीडियो में पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन प्लस क्या वो पूछ सकता है और जो मेन पॉइंट हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को लगातार देखें और पिछले सालों के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व ज़रूर करते रहें ताकि वो अभ्यास जो आपका बना रहेगा वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। हालांकि ये वीडियो RPSC के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, RS के एग्ज़ाम से लेकर के कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवारी, ETC, हर एग्ज़ाम के लिए। और हालांकि चूंकि अभी मेरा चित्रकला शैली पर कोई वीडियो बनाने का विचार नहीं था, एक बार मैं हिस्ट्री के टॉपिक पर ही लेना चाहता था, चूंकि आप सभी बच्चों की डिमांड आई कि सर चित्रकला शैली पर भी एक वीडियो बनाया जाए। और हालांकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम बहुत इजीली समझेंगे। और आप हर वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहें तो आपका वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली, देखिए चित्रकला मनुष्य की एक आर्ट है, चाहे वर्तमान हो और चाहे प्राचीन समय का आदिवासी मनुष्य हो, उस समय भी वो चित्र कुछ ना कुछ ज़रूर बनाता था। आपको गुफाएं देखने को मिलेगी जिनमें वो किसी हथियार के द्वारा, किसी पत्थर के द्वारा, किसी लोहे के हथियार के द्वारा किसी पशु का शिकार कर रहा है, आग जल रही है, वो सभी भोजन पका के खा रहे हैं। तो देखिए, चित्रों के द्वारा हमें मनुष्य की संस्कृति का पता चल जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो अपना प्रभाव ज़्यादा छोड़ती है। और राजस्थान के अंदर भी आपको गुफाएं के अंदर ये चित्र मिलेंगे, जैसे कोटा है, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ पर कोटा बूंदी झालावाड़ वाला ये जो कोटा का क्षेत्र आता है, यहाँ पर दर्रा और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। मेवाड़ में ये जो उदयपुर में आहड़ नामक स्थान है, यहाँ राजसमंद में गिलुंड है, यहाँ भरतपुर में आपका जो नोवा है, सुनारी पड़ता है झुंझुनू में। तो इन सभी स्थानों पर लोह युगीन सभ्यता के और बाकी सभी कालक्रम में कहीं ना कहीं हमें चित्र ज़रूर मिले हैं। जैसे कोई कड़ा है जिसको मृत भांड कहा जाता है, उस पर चित्र मिल जाएंगे, थाली है या लोटा है या गिलास है, इस टाइप के भी जो बर्तन हैं लोह युगीन सभ्यता में उन पर हमें चित्रित किए हुए मिल जाएंगे। तो अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि 7वीं शताब्दी में जो तिब्बत है, तिब्बत के एक इतिहासकार हुए थे तारानाथ, उन तारानाथ ने मारवाड़ में सरंगधर नामक एक चित्रकार का उल्लेख किया है। बस इतना ही ध्यान में रखना, आपको इतना ही उल्लेख मिलता है उसके बारे में। इसके अतिरिक्त 1060 ईस्वी में जैसलमेर के जो जैन भद्र सूरी ग्रंथालय है, उस ग्रंथालय में 10वीं शताब्दी के यानी 1060 ईस्वी के औद निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी, ये 2 ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख मिलता है और ये आज भी जैसलमेर के इस जैन भद्रसूरी ग्रंथालय में रखे हुए हैं। फिर ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम आते हैं इसके नामकरण पे।
देखिए, एक ब्राउन नाम के व्यक्ति हुए हैं। ब्राउन ने इसे राजपूत कला कहा, जो राजस्थानी चित्रकला शैली है उसको ब्राउन राजपूत कला कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नाम है जो कि आपको ध्यान में रखना है, और वो नाम है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी राजपूत पेंटिंग्स नामक बुक के अंदर सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया और इसे राजपूत शैली का नाम दिया। आनंद कुमार स्वामी 1916 राजपूत पेंटिंग नाम की बुक है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले का नाम है आनंद कुमार स्वामी और इन्होंने इसे राजपूत शैली का नाम दिया था। एक एच सी मेहता नामक करके और विद्वान में उन्होंने इसे हिंदू शैली नाम दिया। इसके अतिरिक्त एक रामकृष्ण दास हुए हैं जिन्होंने इसे राजस्थानी चित्रकला शैली का नाम दिया। रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला शैली का नाम दिया और वर्तमान में यही नाम स्वीकार्य किया जाता है। ये पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं कि इसके कितने राजस्थानी चित्रकला शैली के जो प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार माने जाते हैं। तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली के 4 प्रकार माने जाते हैं अलग अलग, जिनको स्कूल भी कहा जाता है। पहला है मारवाड़ स्कूल या मारवाड़ शैली कह सकते हैं, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। देखिए, मारवाड़ जो शैली आएगी इसमें जो पूरा मारवाड़ क्षेत्र है, जैसे पाली भी आ जाएगा इसमें, ये जालौर, ये यहाँ का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारा जो क्षेत्र है ये आता है मारवाड़ में। मेवाड़ से परिचय मैं आपको पहले के वीडियोज़ में सभी में करा चुका हूँ। ये जो हिस्सा है सारा ये आएगा मेवाड़ के अंदर। इसके अतिरिक्त हाड़ौती शैली, ये कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र है, ये हाड़ौती कहलाता है। और ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ढूंढाड़। तो 4 स्कूल हैं, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ के बारे में। देखिए, मेवाड़ शैली की 4 उप शैलियाँ हैं। एक तो मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली भी कह सकते हैं, तो एक तो उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली ही हो गई। इसके अतिरिक्त एक है नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। फिर है चावण शैली जो कि उदयपुर में ही है, जो कि महाराणा प्रताप की नवीन राजधानी भी थी, और जो कि 1585 में उन्होंने चावण को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली है प्रतापगढ़ के अंदर। तो देखिए, उसके बाद में हम पहले पढ़ते हैं मेवाड़ शैली के बारे में। देखिए, मेवाड़ शैली जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली जो है वो मानी जाती है। इसी मेवाड़ शैली से आगे आगे पूरा जो राजपूताना है उसमें ये शैली फैलती गई, और फिर जब बाद में मुग़ल आ गए, मुग़लों से इनका संपर्क हुआ, तो फिर मुग़लों का भी इन पर प्रभाव होगा इनकी चित्रकला शैली में। देखिए, जो मेवाड़ शैली है, इस मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली भी कहा जाता है। इसकी उप शैली मानी जाती है नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में है, चावंड उदयपुर में, और देवगढ़ है प्रतापगढ़ में। दूसरा, तो पहला जो है वो हमारा उदयपुर शैली ही कहिए या मेवाड़ शैली कहिए। देखिए, सबसे पहली विशेषता है मेवाड़ शैली की कि ये राजस्थान की प्राचीन चित्रकला शैली है, सबसे प्राचीन है। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ का सबसे फेमस कोई चित्र है, तो बिल्कुल है, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। 1260 ईस्वी में आहड़, जो कि इस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी मेवाड़ वालों की, यहाँ रावल तेज सिंह के समय ये जो श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ये बनाया गया था। इसके बाद में यहाँ जो राणा कुंभा हुए उनके समय उन्होंने इसको थोड़ा संरक्षण दिया था। कुंभा के बाद में राणा प्रताप के समय इसका सही मायने में विकास हुआ, चावंड में किया था उन्होंने, अमर सिंह के समय विकास हुआ। फिर इसके बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये जगत सिंह प्रथम जो है, मैंने राज सिंह के वीडियो में बताया था कि राज सिंह जी के जो पिताजी हैं वो जगत सिंह प्रथम ही थे, तो जिनका जो कालक्रम है 1628 से 1652 तक रहा था, इनका जो काल है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इसको आप ज़रूर याद करें।
बाकी सबके भी स्वर्णकाल आएंगे, कौन कौन सी शैली में किस शासक के समय स्वर्णकाल है वो सभी आपको याद करने हैं। इन्होंने चित्तेरों की आवरी नामक एक कला विद्यालय की स्थापना करवाई थी, चित्तेरों की आवरी के नाम से, जिसे तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखें आप। जगत सिंह का काल स्वर्णकाल, चित्तेरों की आवरी नामक एक कला विद्यालय स्थापित करवाया, जिसे तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है कि किस रंग की प्रधानता है, तो मेवाड़ वालों को याद कर सकते हैं, इन्होंने हमेशा युद्ध किए, जो आँख है आँखों में हमेशा खून के डोरे रहते थे, तो लाल रंग तो प्रधान होगा ही होगा। और साथ में जब वो केसरिया करते थे तो पीला कपड़ा बांध के सर पर युद्ध में शहीद होने के लिए कूद पड़ते थे, तो उससे आपको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर लाल और पीले रंग की मेवाड़ शैली के अंदर प्रधानता है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन वे हैं। तो देखिए चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन वैसे नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहें तो एक ट्रिक बता देता हूँ मेवाड़ शैली की। देखिए साहेब की कृपा से मनोहर की उम्र बढ़ गई। क्या बोला मैंने? साहेब की कृपा से मनोहर की उम्र बढ़ गई। तो साहेब से हो जाएगा हमारा साहेब दीन, और कृपा से कृपा राम, मनोहर से मनोहर, और उमर से उमरा। साहिब दीन, कृपा राम, मनोहर और उमरा, ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये चित्रकला शैली का जो टॉपिक है ये बहुत लंबा टॉपिक है, और मैं इसको आपको अच्छे से ही पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कोई चीज़ मिस नहीं करूँगा। तो पहले पार्ट में मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, फिर मेवाड़ शैली की उप शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में जो दोनों तरफ आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।